अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आइए रुक करते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 के पार, अब तक 149 लोगों की मौत। कोरोना महामारी ने दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, भारत भी इसके असर से अछूता नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 5194 हो चुकी है, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 149 तक पहुंच गया है। हालांकि 402 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। 24 घंटे में बदले ट्रंप के सुर, अब बोले भारत ने अपने लिए रोकी थी दवाई, मोदी ने की मदद। कोरोना संकट से जूझ रहे अमेरिका ने बीते दिनों भारत से मदद मांगी थी। इस मदद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धमकी भरा बयान सामने आया था, लेकिन अब 24 घंटे में ही उनके सुर पूरी तरह से बदलते हुए दिख रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर उनकी मदद की, वे काफी शानदार हैं। योगी सरकार का ऐलान, पुलिस कर्मियों का होगा 50 लाख का बीमा। लॉकडाउन का अनुपालन करने पहुंची पुलिस टीम से बदसलूकी और हमले की खबर भी आई, ऊपर से कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी अधिक है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कराने के आदेश दिए हैं। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव, 30 मिनट में 600 अंक रिकवर हुआ सेंसेक्स। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर एक बार फिर लौट आया है। दरअसल हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सुस्त शुरुआत हुई। शुरुआती 15 मिनट के कारोबार में सेंसेक्स करीब 300 अंक लुढ़क कर एक बार फिर 30,000 अंक के नीचे आ गया। इसी तरह निफ्टी भी 20 अंक की गिरावट के साथ 8,780 अंक नीचे कारोबार करता दिखा। हालांकि कारोबार के 15 मिनट बाद ही रिकवरी भी देखने को मिली। इसके अगले 15 मिनट में ही सेंसेक्स करीब 600 अंक रिकवर होकर 30,500 अंक के स्तर पर आ गया, तो वहीं निफ्टी 107 अंक की बढ़त के साथ 9,000 अंक के करीब आ गया। करीब 1.2 लाख दिहाड़ी मजदूरों को खाना खिलाएंगे ऋतिक रोशन, एनजीओ से मिलाया हाथ। कोरोना वायरस के चलते हमारे देश की जनता का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो भुखमरी का शिकार हो रहा है। अब ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए ऋतिक रोशन ने एक अहम कदम उठाया है। ऋतिक रोशन अब उन लोगों के लिए 1.2 लाख पौष्टिक पके हुए भोजन की सुविधा करने में मदद करेंगे जो इस समय खुद के लिए भोजन का आयोजन करने में असमर्थ हैं। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।